आज टेस्ट में जो एक क्वेश्चन नहीं सुनागा एक हड्डी टूटेगी, उसकी ध्यान रखना। जैब भाई तो फिर व्हील चेयर पे ही जाएंगे। बोलवाओ तो फालतू। हाँ भाई तू सुना दे, न्यूटन के तीनों लॉ सुना। मैं? हाँ तू। बहुत पुरानी बात हो गई सर ये, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि उसके सर पे सेब गिरा था। अरे तो उसने कुछ लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था? तुम्हारी जान की कसम सर, उसने मुझे कुछ ना बताया इस बारे में। अरे उसने वो तीनों लॉ किताब में लिखे थे। बढ़िया, अगर कहीं भूल जाता पर मेरे सामने से कोई बात हुई नहीं ना, मैं तुम्हें बता। अरे तू एग्जाम में क्या करेगा यार? वो तो मैं इसका देख के लिख लूंगा, मेरी बात हो गई दो समोसों में। अरे सर इससे मधुमक्खी के बारे में पूछो, मधुमक्खी के। हाँ भाई मधुमक्खी के बारे में बता। खाला की लोड़ी थोड़ी, मैं तुम्हें मधुमक्खी के बारे में बता दूंगा यार। अरे बुक में लिखा हुआ है मधुमक्खी के बारे में, बता। बाहर छत्ता लगा, छेड़ के देख लो, खुद बता देगी वो तुम अपने बारे में। तू रहने दे भाई, तेरे बस की बात ना, कुछ भी रहने दे। पूछ लो सर बाद में, मत कहियो मैंने कुछ बताया नहीं तुम्हारा, मैं साफ कह दे रही हूं। अच्छा ये बता, पृथ्वी चांद का चक्कर लगाती है या चांद पृथ्वी का? इतनी दूर की मैं सोची ना अभी। हेलो, हेलो नमस्कार सर, मेरी बात सोनू से हो रही है? हाँ सोनू बोल रहे हैं, कब? अरे तुमने हमारी कंपनी से लोन लिया, पैसा कहीं नहीं दे रहे, हराम का पैसा है का? अरे पैसा देते देते हमारी नियत बिगड़ गई, हमको तो हराम है का लग रहा है। तुम हमसे मुजोरी ना करो ज्यादा, चुपचाप कंपनी का पैसा वापस कर दो। अरे बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं, तुमसे मुजोरी करने पे आ गए तो तुम्हारे जैसे रिकवरी एजेंट हमने चौराहे पे नंगे नचा दिए। अरे तमीज से बात करो, ये कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी। बढ़िया काम कर रहे हो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना बाद में हमको। अरे इसका मतलब तुम पैसा देने का तुम्हारा कोई मन है नहीं? अरे पैसा देने का मन बहुत है, तो फिर देखा ही नहीं रहे क्योंकि पैसा ही नहीं है। और जो तुमने बिजनेस के लिए पैसा लिया था वो बिजनेस कहाँ गया तुम्हारा? अजी पैसा तो हमने जुआ खेलने के लिए लिया था। अरे तुम तो कह रही थी हम बिजनेस करेंगे। अजी तो तुम जुए के नाम से पैसा थोड़ी दे देते। अब तुम्हारे खिलाफ सोनू एक्शन लिया जाएगा तगड़ा वाला। तो लियो एक दो तीन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे जब हम तीन कहें तब एक्शन लेना। अरे फिल्म थोड़ी चल रही है, अगर फिल्म चले तो इज्जत लुटने वाले सीन पे हमें बुला लेना। अरे तेरी। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। सर आपकी गाड़ी पे इंश्योरेंस खत्म हो गया है सर? अरे लियो अभी हमारे ससुर जी इंश्योरेंस कराए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गाड़ी तुम्हारी है तो ससुर जी इंश्योरेंस क्यों कराएंगे? क्योंकि दहेज में मिली है इनको। अरे दुनिया देती है का तुम्हारे बाप ने अनोखी दे दी हमको। अरे जैसी तुम्हारी घोड़े जैसी शक्ल है, तुम पे कोई ईंटे रख के ढोल, शुक्र करो तुम्हारे बाप ने तुमको गाड़ी दे दी। अरे यार तुम इस जमाने में भी दहेज में गाड़ी ले रहे हो, कसम से शर्म आनी चाहिए यार तुमको। अरे वो तो हमारे ससुर जी ने हमको प्यार से गाड़ी दे दी यार। प्यार से दे दी? और जो तुम्हारी अम्मा हमारे आंगन में बैठ के छाती कूट रही थी कि बगैर गाड़ी के लौंडिया नहीं लेके जाएंगे, 85 साल की उम्र में बुढ़िया क्या लद्दाख की ट्रिप पे जाएगी गाड़ी से? देखिए सर ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ बिल्कुल भी। अजय पूरी तो भचड़ मचवाई दी तूने, आपका गला दबा बैगा हमारा। अजय इस मांगन वाले की मत सुनो तुम। सर मुझे ये बताओ कि इंश्योरेंस के फायदे क्या होते हैं? देखिए मैम अगर आपकी गाड़ी का कभी बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी उसको ठीक कराने के लिए पैसा देती है। और अगर आदमी का भी लाइफ इंश्योरेंस करा दें तो क्या फायदा मिलेगा हमको? तो जिस आदमी का इंश्योरेंस करा हुआ है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को पैसा मिलेगा। अजय मम्मी पापा का गाड़ी का इंश्योरेंस करा के दोनों को आग दे देते हैं।